हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे पूरे बालों में ऑयल लगा हुआ है और पेंटर जो हैं वो आ गए हैं, वो लोग काम कर रहे हैं और मैं खा रही हूँ ये मुझे बहुत पसंद है, एल्पेनलीबे, और ये बहुत अच्छी लगती थी मुझे, तो ये मुझे पैकेट मिला था तो मैं इसका ले आई थी। तो सिर्फ अभी तक चाय पी है और कुछ नहीं किया, और गैस है वो ढकी हुई है। जब वो लोग ब्रेक पे जाएंगे तो मैं बनाऊंगी अपने लिए, लाऊंगी मैं लंच। मैं अभी ब्लॉग एडिट कर रही हूँ, मैं जल्दी से ब्लॉग एडिट करती हूँ वरना मैं ब्लॉग एडिट करने में लेट हो जाऊंगी। सो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर बाद। तो अभी काम ही चल रहा है और मैंने किचन बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकती हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पर अभी POP हो रही है UP, तो बहुत बोरियत हो रही है मुझे। वीडियो है 150 हो रहा है और 76% अपलोड हुई है, बस 76%। पता नहीं कैसे 2 बजे जाएगी, 2 बजे नहीं जाएगी। मौसम बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग। मैं फिर से दिखाती हूँ आपको, हर दिन मौसम दिखाना इज़ ज़रूरी। यू कैन सी द मौसम कितना अमेजिंग हो रहा है, ब्यूटिफुल, लाइक ब्यूटिफुल। मुझे नहाने जाना है और मैं जा ही नहीं पा रही हूँ। इस मेरे को लगा ये वाला वॉशरूम यूज़ कर लूँ, पर घर कैसे छोड़ूँ। सो फाइनली मुझे इतनी भूख लग रही है कि पूछे मत। मैं जा रही हूँ एक मैंगो लेने, एक मैंगो खाने, और मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ, मतलब वहीं पे मैं चढ़ा देती हूँ कुकर बंद करके खाना, कि कुछ तो बन जाए। तो मैं जा रही हूँ छोले चढ़ा देती हूँ, वो बनते रहेंगे, वो तो कुकर में बंद रहेंगे ना, और वो वैसे भी अभी POP कर रहे हैं। तो चलिए मैं जाती हूँ, भूख लगी है। सो फाइनली मैं खाना बनाने में सक्सेसफुल हुई हूँ, मतलब फुली नहीं। मैंने चावल चढ़ा दिए हैं और मैंने छोले चढ़ा दिए हैं। ये भटूरे बनाना तो पॉसिबल नहीं था, और ये बनते हैं। मैंने चाय भी बना दी है, वो लोग चाय पी रहे हैं। अभी ये जो वॉल है ये सूख रही है, तो इस पर फुट्टी हुई है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, शायद प्लास्टर ऑफ पेरिस से बोलते हैं इसे, फुट्टी हुई है। और एक कोट और होगी फिर ये सूखेगी, क्योंकि मानसून है, जल्दी सूखेगी नहीं, और कल इस पर पेंट होगा। जल्दी से खाना बन जाए, बस तड़का नहीं लग पाएगा अभी, मुझे पता है मेरे खाने में मिट्टी चली जाएगी। और वापस से काम शुरू हो गया, मतलब मेरे को 20 मिनट्स का टाइम मिला था जब तक कि वो सूख रही थी, एंड आई डिड इट। सो प्लीज़ मेरा एक गंदा सा चेहरा मत माइंड करिएगा, मैं भी ऐसे ही घूम रही हूँ। मुझे एक शावर लेने तक का टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैं उस टाइम शावर लेती या खाना बनाती, तो खाना पहली प्रायोरिटी थी, उसके बाद शावर लूँगी मैं। वैसे भी गंदा हुआ पड़ा, पहले साफ़ करना पड़ेगा। अब मौसम जो है ना बहुत अमेजिंग हो रहा है, और मेरे बालों में भी कुछ लग गया। मैंने कुछ कपड़े भी धो लिए हैं, और आज ऐसा लग रहा है जैसे ठंड आ जाती ना नवंबर दिसंबर में, वैसा ठंडी टाइप की लग रही है आज। मैं इस रूम में बैठी हूँ क्योंकि वहाँ पे काम हो रहा है, और मुझे अजीब सा लगता है कि उन लोगों के सामने मैं बात करूँ। वो सोचेंगे कि मैं पागल वागल हो गई हूँ, कि मैं फ़ोन पर देख के बात कर रही हूँ और बता रही हूँ कि मैं कर कह रही हूँ। सो मैं इस रूम में बैठी हूँ, इस रूम में सोचिए अभी धूप वूप भी नहीं है, उसके बाद भी बहुत अच्छी लाइट है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस विंडो, इस विंडो के कारण बहुत बहुत अच्छी लाइट है। मेरा बहुत मन है कि मैं जल्द से जल्द वीडियो शूट करूँ, बट मुहूर्त निकलना पड़ेगा, मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा। और मुझे सब कुछ अकेले संभालना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो ऑफिस गए हुए हैं, ऑफिस में उनका बहुत सारा काम आया हुआ है। ऑल दो उनका कोई काम भी नहीं था, कौन सा वो पेंट वेंट करते हो, कुछ करते तो नहीं, बैठे ही रहते, तो अच्छा है वो चले गए ऑफिस, मुझे भी लगा। फिर वो मुझे परेशान ज़्यादा करते, मतलब आपके हस्बैंड आपके बच्चे की तरह होते हैं, कि ये चाहिए, वो चाहिए, ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, वो कर दो, और वैसे ही कुछ काम नहीं हो पा रहा है मेरे से वहाँ पर। तो अच्छा है वो ऑफिस चले गए, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बच्चा स्कूल गया है, और मम्मा को बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चा भी स्कूल गया हुआ है,
अभी मुझे थोड़ा आराम है, वरना मेरे हस्बैंड कभी कुछ निकाल के ला रहे हैं, कभी उस रूम में जाके कोल्ड ड्रिंक पी रहे, कभी माजा पी रहे, कभी कुछ पी रहे, तो वो इस चीज़ में लगे ही रहते और टी वी चला के रखते, बोजो डिस्टर्ब होता। बोजो को मुझे भी घुमाने लेके जाना है, मैं उसे छत पे ही लेके जा रही हूँ, हल्की हल्की सी बौछारें हो रही हैं तो मैं उसे छत पे ही लेके जाऊँगी, पर मैं अभी नहीं लेके जा पा रही हूँ क्योंकि पूरा घर खुला पड़ा है। सो गाइस, मैं जाके देखती हूँ कि हो क्या रहा एग्जैक्टली, अदरवाइज और मैं जल्द से जल्द नहाने की कोशिश करती हूँ माई फेस। और बोजो को तो वैसे भी नहीं छोड़ सकती क्योंकि पूरा पेंट पुट्टी, यानी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस पुट्टी जो भी लगी है उस पर वो गिरी पड़ी है पूरी नीचे, और रसोई नीचे पूरा फ्लोरिंग पे कुछ 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 गिरा हुआ है, तो जब तक मेरे को उसे क्लीन करना पड़ेगा उसके बाद, और कल भी गिरेगा उसके बाद, फिर उसके बाद पता नहीं। सो गाइस, ये लोग अभी गए हैं, मतलब 5:30 बजे, और मैंने छोले बना लिए थे, चावल बना लिए थे, पर मुझे तड़का लगाने का टाइम ही नहीं मिला, तो मेरे हस्बैंड बाहर से फिर खाना पैक करा के लाए लाइक थाली सिस्टम में, और अब मैं जा रही हूँ लाइक थाली सिस्टम में और अब मैं जा रही हूँ फाइनली नहाने। तो आज ये लोग 9 बजे आ गए थे और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कुछ करने का, तो अब मैं क्या करती हूँ, कल से थोड़ा या तो जल्दी उठूँगी, जो कि व्लॉग एडिट करने के चक्कर में उठ नहीं पाती हूँ, या देखती हूँ मैं कितनी जल्दी उठ के क्या क्या कर सकती हूँ, क्योंकि कल सिर्फ यहाँ की पेंटिंग का काम है, उसके बाद जो काम है कारपेंटर का है। सो आज हमारा नो फूड डे रहा, नीचे मैं जा ही नहीं सकती थी खाना बनाने क्योंकि घर अकेला नहीं छोड़ सकती थी। जस्ट मैं नहा के आई हूँ, और पहले मैंने पूरे घर की झाड़ू वाड़ लगाई, यहाँ पे भी पूरा कचरा पड़ा था, बोजो को खोलना था, बोजो बेचारे एक रूम में था इतनी देर से, तो मैंने पहले झाड़ू लगाई, मेरी आँख कुछ गया, हाँ पहले मैंने झाड़ू लगाई, पोछा लगाया क्योंकि मेड से भी करके गई थी, पर मेड का ये निकलता है कि वो चली जाती हैं और बार बार कोई 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 लोग आ रहे हैं, कभी यहाँ पर गंदा हो रहा है, कभी वहाँ पर गंदा हो रहा है, पूरी जगह मिट्टी मिट्टी हो गई थी, इसलिए मुझे धोना पड़ा। माय गॉड, मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है आग के अंदर कुछ चला गया, हाँ तो पूरी जगह मिट्टी हो गई थी, तो फिर मुझे धोना पड़ा, ओह चला रहा कुछ आग में है, और स्लैब्स वगैरह तो मैंने सुबह ही पोछी थी, मैंने सिर्फ इतने झाड़ दिया है, और अभी मैं नहीं झाड़ूंगी क्योंकि कल का काम और हो जाए उसके बाद तो काम फैलना ही फैलना है, तो इतना हो गया है अभी, सिर्फ क्या हुआ है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये यहाँ पे हो गई है पुट्टी POP, यहाँ पे भी हो गई है, यहाँ पे डार्क कलर था तो वो अभी थोड़ा दिख रहा है, तो जब पेंट हो जाएगा तो प्रॉपर सही हो जाएगा। आई डोंट नो ये येलोइश क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये वाइट ही कलर, वाइट पुट्टी थी तो वाइट ही है, ये पता नहीं येलो क्यों दिख रहा है। फिर ये लाइट है, ये जो दो लाइट मैंने इसलिए लगवा के रखी थी यहाँ पे, ताकि कुकिंग जोन पे जो लाइट आती है फोकस वो प्रॉपर आ पाए। उसके बाद फिर इस वॉल पे भी हो गया, यहाँ पे भी एक CFL लगवा के रखी थी, यहाँ पे ये और यहाँ पे भी एक CFL लगवा के रखी थी कुकिंग जोन के लिए, तो अच्छी खासी रोशनी हो जाती थी। तो जो ये वाला पोर्शन है इस साइड वाला, यहाँ पे पूरे में कबर्ड बननी है यहाँ से यहाँ तक, अब जितनी बड़ी बनाएगा वो। उसके बाद ये जो खिड़की है इस पर कबर्ड बननी है, ये काफ़ी बड़ी खिड़की है, इसके ऊपर भी कबर्ड करवा रहे हैं, और हाँ इस पर कबर्ड बनेगी,
यहाँ पे भी पूरी कवर जाएगी। यहाँ पे हम एक पोर्शन लगवाएंगे, एक्वागार्ड मैंने निकाल दिया है। एक्वागार्ड जो है वो इसके अंदर जाएगा, मतलब जो यहाँ पे पहले एक्वागार्ड लगा था वो अब कवर्ड के अंदर जाएगा सिंपल। फिर यहाँ पे एक और कवर्ड, मतलब तीन लाइन में कवर्ड बनेगी और नीचे का पोर्शन भी बनेगी। और अभी यहाँ पे पेंट होना बचा है, यहाँ पे पूरा पेंट करने वाला एरिया बचा हुआ है, इसे क्लीन वही करेगा कल, जो थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है यहाँ पे सामान। बाय गॉड मेरा सांस चढ़ रहा है। तो यहाँ पे भी पूरे में कबर्ड्स बननी है, इधर पे भी। ये बैक पोर्शन है किचन का, किचन में बहुत ज़्यादा हुआ है। पर मैं सोच रही हूँ यहाँ पे कबर्ड ना करवा के मैं यहाँ पे एक डोर लगवाने के बारे में सोच रहे हैं। हम लोग यहाँ पे एक डोर लगवाएंगे। ये मैंने अभी एक तौलिया डाल दिया है गंदा सा, क्योंकि पूरा बाहर का दिखता है यहाँ पे से। जो यहाँ पे जो कर्टन लगा था वो मैंने निकाल दिया, क्योंकि वो गंदा होता। तो जो ये वाला एरिया है ना, यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं एक दरवाज़ा सॉर्ट ऑफ बनवा दे रेड कलर का, तो ये भी एक पूरा स्टोरेज एरिया हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा जो फ्लोर है उसका हाल। किचन का फ्लोर है आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा है किचन का फ्लोर क्या है। ये जो एरिया है हम लोग के यहाँ पे, हमने जो किराएदारों को दिया था उनने यहाँ पे बहुत अच्छे से एसिड डाला। आई डोंट नो क्यों क्लीन किया उनने इतना, और यहाँ पे उन्हें एसिड डाल दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे पूरे कॉर्नर कॉर्नर पे उनने एसिड डाल दिया था, यहाँ पे एसिड डाल दिया था उनने, यहाँ पे एसिड डाल दिया था। और सबसे गंदा जो एसिड ने उनने डाला है ना वो यहाँ डाला है। अब देखिए जो पोशन है, ये कैलेंडर रखा हुआ है हम लोगों वाला, हाँ ये वाला जो पोशन है ना, उनने इतना गंदा एसिड डाला है कि मार्बल पे होल्स हो गए हैं। आप देख सकते हैं मार्बल में होल्स हो गए हैं। तो क्या हुआ है, उन्हें हमने दिया था घर यहाँ पे, कब से किराएदार रह रहे हैं, आई थिंक जब राजा छोटा होगा तब से किराएदार रह रहे हैं। बट जो 5-7 साल पहले जो किराएदार आए थे उनने एसिड से खेल किया, उन्हें साफ़ करना होगा मतलब दिवाली वाली के टाइम पे। तो अब क्या होता है, अब हम लोग घर नहीं देखते, मतलब मैं तो थी भी नहीं उस टाइम पे जिस टाइम पे काम हुआ है। तो उन्हें क्या किया, क्लीन करने के चक्कर में उन लोगों ने जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एसिड होता है वो डाल दिया और मार्बल में होल हो गए। ये अब जो होल्स हैं ये घिसाई से जाएंगे। अब घिसाई करने वाला कह रहा है कि हमें पूरे घर में करवानी है, तो घिसाई करने वाला बोल रहा है कि आप पूरा सामान निकालो उसके बाद हम घिसाई करेंगे। तो अब मैं सोच रही हूँ कि फ़िलहाल इतना काम फैल गया है तो घिसाई वाला काम मैं अभी नहीं करा सकती, जबकि घिसाई 3-4 दिन में हो जाएगी और घिसाई बहुत आराम से हो जाएगी, पूरा मार्बल न्यू हो जाएगा। बट मुझे होल्स का श्योर मेरे को पता नहीं है, होल्स जो हुए हैं वो सही होंगे या नहीं होंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये रेड और वाइट में करा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे पूरा फ्लोरिंग होती है ना जो, वो करवा रही हूँ। तो यहाँ पे होगी रेड एंड वाइट, मैं यहाँ पे पूरी मैट भिजवा रही हूँ, मैट बिछवा रही हूँ। जो मार्बल पे जो मैट रहती है वो बहुत अच्छे से बिछती है, उसके बाद जब हम घिसाई कराएंगे तब अच्छे से करा लेंगे, जब भी कराएंगे, क्योंकि अभी सोफे से लेके बेड से लेके सब कुछ उठाना और अलग करना और टाइम नहीं है। तो ये वाली दिक्कत हो रही है। तो आई थिंक हम लोग मार्बल तब घिसवाएंगे जब मैं हॉल का काम करवाऊंगी। हॉल का काम मैं 3-4 महीने में कराऊंगी, पर उस दो तीन तीन चार महीने में मैं यहाँ पे उस 3-4 महीने में मैं यहाँ पे मैट बिछवा रही हूँ। हम लोग बहुत प्यारी रेड और वाइट मैट देख के आए, तो पहले ये वाला काम हो जाए उसके बाद मैं पूरी मैट बिछवा दूँगी यहाँ पे। तो रसोई मेरी अमेजिंग हो जाएगी, क्योंकि वो कलर कॉम्बिनेशन ही बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी के लिए मैं टेम्प्रेरी वर्क कराऊंगी, क्योंकि आप देख सकते हैं फ्लोरिंग। तो हम लोग को तो इतना गुस्सा आया था, उसके बाद मैंने क्लीन करने की, इवन मैंने स्क्रबर से हर चीज़ से मेट से घिसवा के हर उससे साफ़ करा लिया, बट नहीं हुआ। वो तो घिसाई की ज़रूरत है, पर क्यों एसिड डाल के छेद कर दिए यार, क्यों क्यों ऐसा किया, साफ करना था तो ऐसे ही कर लेते, छोड़ देते, ऐसा क्यों कर लिया। सो ये हो गया एक और खेल का था। सो अब मैं यहाँ पे चिल मार रही हूँ और मैं अब तड़का लगाने जाऊँगी छोले में, और चावल ऑलरेडी डन है, तो मेरा डिनर जो है वो ऑलमोस्ट तैयार। देख रहे हैं मेरे को, और आप देख रहे हैं जो मेरा आज का दिन गया है वो कैसा गया है। पूरा दिन मेरा कुछ ना करने के बाद भी बहुत कुछ करने वाला हो गया। अभी जो घर की हालत थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और मुझे एक चाय की ज़रूरत है, ये मेरी तीसरी कप चाय हो रही है, क्योंकि मैं कॉफ़ी नहीं पीती हूँ, तो और थकान के टाइम मुझे चाय की ज़रूरत पड़ती है।
सो प्लीज़ डोंट जज मी चाय के लिए। चाय के लिए कोई भी जज मत करना। कई बार होता है हेल्थ के लिए सही नहीं होती है, कुछ होता है, बट आई रियली नीड अ टी, अदरक वाली टी। और मेरे को एक वीडियो एडिट करनी है जो ऑलरेडी मैंने शूट करके रखी थी स्किन की, वो भी करूँगी मैं अभी जाके। दिक्कत पता है क्या हो रही है, पूरे पीछे सामान अब मेरे हस्बैंड ने मिला के रख दिया। मैंने जो जो सामान रखा था वो एक जगह पे रखा था, मेरे हस्बैंड ने भी कहीं कहीं रख दिया। अब मुझे सामान ढूंढना पड़ रहा था, मुझे मिल नहीं रहा। मैं नेल्स माइंड मत करिएगा, आज कुछ भी माइंड मत करिएगा। मैंने कल नेल पेंट अलग करी थी और थोड़ा सा फाइलिंग वगैरह की है नेल्स की, जो कि अच्छे से नहीं हुई है। और मैं अपने ये वाले नेल्स भी ऐसे ही छोड़ रही हूँ फिलहाल। मैं देख रही हूँ मैं नेल पेंट लगाती हूँ नहीं लगाती आज। आप देख सकते हैं जो मेरे पिंपल वाला एरिया है वो काफ़ी अच्छा हो गया है। और अभी और होने हैं मुझे, अब कुछ आम के कारण है, कुछ अभी मेरा वो वाला टाइम भी चल रहा है इसलिए भी है, मुझे उस टाइम पे बहुत होते हैं तो उसके लिए भी हो रहा है। और आज का ब्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया है और मैं आपके साथ कुछ कुछ शेयर कर रही हूँ जो मुझे फील हो रहा है, क्योंकि अभी कोई भी शेयर करने के लिए नहीं है। मेरे हस्बैंड आए और फटाफट खाना खा के निकल लिए। तो मुझे ये लग रहा है कि अगर कारपेंटर आज बैठ जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि देखिए वो आके नाप ले लेके तो वैसे ही बनाता रहता वहाँ पे। अगर वो 2 दिन तक सब कुछ बना लेता, मतलब काफ़ी काम ख़त्म कर सकता था। मुझे लग रहा है लगाना उसे बाद में था, बट बनाने वाला काम भी तो काफ़ी बड़ा रहता है। और ये सब सब बनाना है उसे, लाइक पूरे नीचे जो गैस के नीचे, मैं गैस के नीचे लगवा रही हूँ 3 ट्रॉली, जहाँ वो सिलेंडर रखा है आपको नहीं दिख रहा होगा, वो सिलेंडर लगा है वहाँ पे 3 ट्रॉली। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि क्या करवा रही हूँ यहाँ पे, मतलब मेरे को लग रहा है कि जो पीछे वाला पोर्शन है वो मेरा यूज़ नहीं होगा। मतलब मैं उसे बंद करा के ना देखूँगी किस चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है वो, तो मेरा पूरा काम यहीं पे निपट जाएगा। सो गाइस, मैं आप लोग को आज बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हूँ, मैं क्या करूँ, सुबह से पागल हो गई हूँ मैं आज। बट मैंने जब वहाँ का काम कराया था बेडरूम का, तब भी ऐसा था, बट बेडरूम का काम मुझे इतना हैवी नहीं लगा था, क्योंकि बेडरूम का जो भी सामान था वहीं रहता था, बस कपड़े इधर उधर गए थे जो हो गए थे। बट रसोई का सबसे बड़ा स्ट्रेस मैं आपको बताती हूँ कब होने वाला है। सबसे बड़ा स्ट्रेस उस दिन होगा जिस दिन रसोई बन जाएगी, और जिस दिन आपको जब सारे बर्तन साफ़ करने पड़ेंगे, जब आपको डब्बे साफ़ करने पड़ेंगे, क्योंकि जो आपकी मेड होती है वो बिल्कुल सपोर्टिव नहीं होती है। मेरी जो मेड है वो बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है। मैंने उनसे ये बोला कि आप सुबह आ जाइएगा 7 बजे, क्योंकि वो जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि मुझे सिंक खाली करके देनी पड़ती है, क्योंकि फिर पेंट गिरता है और बर्तन रहते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, हम वो खाना है ये वो, मतलब 2-3 दिन भी कोई एडजस्ट नहीं कर सकता। तो सुबह उठ के मैंने सारे बर्तन मांजे, रसोई मैंने कराई नहीं, ये वाला रूम में बोझो सोया पड़ा था, तो सिर्फ हॉल का उसने झाड़ू पोछा किया। फिर मैंने सारे झाड़ू पोछा बर्तन निपटाए हैं अभी, और कल भी मुझे बर्तन खुद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे रात में बर्तन मांज के सोऊंगी मैं आज, क्योंकि मुझे वो वाला एरिया क्लियर रखना पड़ेगा। फिलहाल मैं चाहती हूँ कि रसोई में खाना पीना होने के बाद एक बर्तन भी ना रहे या कुछ भी ना रहे जिसमें कुछ भी गिरे, और वो समझ सकते हैं आप। तो मैं पीछे वाले रूम से खाना उठाती हूँ जाके। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि जो छोले हैं ना वो उबले भी हैं या नहीं हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि उबले भी हैं, क्योंकि उसने जितना टाइम दिया था उतने टाइम में मैंने करा है। और मैं बट कुकर खोलती हूँ, लेट मी ओपन द कुकर। ये गल गए हैं, मेरी पूरी शिंक विंक सब पे पेंट गिर गया, तो ये गल गए हैं। मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ी सीटी और लगा दूंगी, और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने। आज मेरे को पता है मेरी ना 2-3 चीज़ें मिली जो मुझे याद तक नहीं था मेरे पास है। और आप सोचेंगे मैं कितनी बड़ी लापरवाह हूँ, क्या हुआ था। मेरे पास एक ईयरिंग थी, ईयरिंग गोल्ड की टॉप्स, और वो मुझे दिए थे आई थिंक मम्मी ने दिए थे मुझे। हाँ मेरी मम्मी ने मुझे 2 ईयरिंग दिए थे, और वो मैंने, यकीन नहीं मानेंगे, मैंने ऐसे पटके हुए थे, मुझे वो कचरे के बीच में 2 गोल्ड के ईयरिंग मिले अपने आज। और मुझे लगा हद हो गई, एक तो मुझे याद नहीं था, ऊपर से मैंने उसे ढूंढा नहीं, फिर तो मुझे लगा यार मैंने सारी लिमिट क्रॉस कर दी लापरवाही की। और आई थिंक मैंने 2-3 साल से उसे पहना भी नहीं था, और ना मैंने उसके बारे में सोचा, मैं पुट्टी देख रही थी, हाँ ना मैंने उसके बारे में सोचा कि कहाँ गई, मतलब मैं इतनी बड़ी लापरवाह हूँ। फिर मेरे को आज मिला वो, फिर मेरे को लगा अरे, फिर मैंने उसे अपने जाके ज्वेलरी वाले बॉक्स में रखा
पूरी की पूरी मैंने हद मचा के रखी हुई है। फिर मेरे को लगा आ मेरी दो गोल्ड की इयरिंग मिली। मतलब जब भी आपका कुछ भी एरिया साफ होता है ना, तब तो आपको समझ में आता है अरे यार बहुत सारा सामान मिल रहा है जो आपको याद भी नहीं है। सो मैं चाय के लिए अदरक लेने आई थी और मैं गॉसिपिंग कर रही हूँ। जो मुझे मुझे वो चीज़ मिली जो मुझे याद तक नहीं थी कि क्या है, मतलब मुझे पूरा याद नहीं था कि वो है क्या। सो गाइस हम लोगों ने जब मॉड्यूल हम लोग हाँ मैं आज कुछ बातें कर रही हूँ जैसे मैं बहुत दिन से मैं बात नहीं कर पाई थोड़े दिनों तक, मोटा भर गई हूँ। हाँ आप लोगों से बात कर रही हूँ क्योंकि मैं आई थिंक दो चार दिन से ढंग से बात नहीं कर पाई क्योंकि हम लोग घूमे घूम रहे हैं। हम लोग गए थे मॉड्यूलर किचन पता करने भी, तो मॉड्यूलर किचन उन्होंने बोला कि अगर आप एकदम हमने सिर्फ रसोई के लिए जो जगह है वो आपने प्लान करी है, सपोज करिए कि यहाँ पे कोई स्लैब नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आपकी जो किचन है वो मॉड्यूलर बना देंगे। और उसके लिए ये है कि आपको सब कुछ तुड़वाना पड़ेगा पहले, और या फिर आपको क्या करना है, आप पता नहीं क्या बोल रहा था वो, ग्रेनाइट पत्थर रखना है और ये करना, पता नहीं क्या क्या कह रहा था वो। और उसके बाद उसने जो एस्टिमेट बताया, क्योंकि हम लोगों का जो एरिया है वो आप तो आप हम लोगों का एरिया देख सकते हैं कितना बड़ा है, तो आप वो टाल माइंड मत करिएगा, वो जो टाल है ना मैंने ऐसी टांगा है अभी, हाँ तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया है। और फिर उसके बाद ये पूरा एरिया जो मैं बनवाने वाली हूँ इसे मैं पूरा कवर कराने की सोच रही हूँ बिकॉज हाँ। और फ्रिज भी हम लोगों ने छोटा इसलिए लिया था क्योंकि जो फ्रिज की जगह है ना वो छोटी थी, हम इसमें चाहते थे कि इसमें वो हो जाए। अब मैं सोच रही हूँ कि जो ऊपर यहाँ पे एक प्लग लगाने वाला लगा हुआ है उसे हटा के मैं उसे तुड़वा दूंगी, उसके बाद जो बड़ा फ्रिज है वो भी आ जाएगा यहाँ पे। ऑल दो हमें बड़े फ्रिज की ना ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो बड़ा फ्रिज भी आ जाएगा यहाँ पे। ने जो हमें एस्टिमेट बताया उसने बोला कि जो ये वाला पोर्शन है, मतलब जो फ्रंट पोर्शन है जहाँ पे आपको खिड़की दिख रही है उसका, उसने बोला है उसने उसका बोला कि वो पड़ेगी आपको 140 की, उसके बाद आप सब लगा लीजिए। उसने बोला आपकी जो किचन है वो जाएगी 3 लाख के आसपास, इसमें हम आपको सब करके देंगे। और उसमें वो ये सब कवर नहीं कर रहा था, उसका जो भी है वो एक्स्ट्रा चार्जेस थे। और वो जो किचन है वो तुड़वानी भी पड़ेगी क्योंकि वो अपने हिसाब से बनाते हैं किचन, वो सब कुछ सेट करते सब कुछ करते, पर वो कर जल्दी देते हैं, बट एस्टिमेट कुछ ज़्यादा जा रहा था। तो अभी जो एस्टिमेट है उसका आधे से आधा है, आप सपोज समझ जाइए। मतलब अभी जो किचन मुझे पड़ रही है सब लेबर वगैरह चार्जेस लगा के वो मुझे अराउंड 80 की पड़ रही है, और वो जो चल रही पड़ रही थी वो मुझे 30 की पड़ रही थी, 3 लाख के अराउंड पड़ रही थी, जो काफ़ी ज़्यादा थी मेरे लिए। तो हम लोगों को लगा कि यार छोड़ो कहीं घूम घूम आएंगे, कहीं अच्छी बाहर के ट्रिप मार आएंगे, रहन दो, उससे अच्छा तो फिर मैं अपना हॉल भी कराने की सोच रही थी कि उस पर पूरा जो POP वाला काम होता है तो वो वाला काफ़ी अच्छा काम है, वो मेरे हस्बैंड 2-3 महीने में कराने वाले हैं हॉल भी। और ये वाला रूम है इसे मैं फुल वाइट रूम कर रही हूँ, वाइट रूम मींस ये चिल करने वाला रूम, इसमें एक दीवान और वही वाइट वाइट कबर्ड्स बनवा रही हूँ मैं इस वाइट रूम में। तो मैंने अपना पूरा घर प्लान कर लिया है कि कैसे क्या क्या करना है, तो बस हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है मैं अकेली हूँ। अगर वही मदर इन लॉ भी रहती तो काफ़ी सपोर्ट मिल जाता, बट वो अभी है नहीं यहाँ पे, और अगर वो पास ही में होती जहाँ वो रहती हैं तो मैं उन्हें बुला भी लेती, बट वो अभी यहाँ भी नहीं है, वो लोग घूमने गए हुए हैं जैसे कि हम लोग ट्रेन में गए थे छोड़ने। कितना बोल रही हूँ ना मैं। सो गाइस मैं अब जाके चाय फटाफट बनाती हूँ वरना मैं बोलती रहूँगी। सो अब मैं जा रही हूँ वीडियो एडिट करने कल 11 बजे के लिए, अगर वो हो जाती तो अच्छा है, और मेरी चाय 5 मिनट के लिए उबलेगी, और अगर मुझे मौका मिलेगा ना तो आई थिंक मैं बड़बड़ाती रहूँगी ओह माई गॉड याद आ गया मैं भूल गई कल पेंटर भग जाते और मुझे इसे पेंट कराना है। सो मैं इसे रेड कराऊँ या वाइट कराऊँ, और यार कमेंट आप जब तक लिखोगे ना हम लोग लेट हो जाएंगे। अच्छा आप एक काम करिए कमेंट सेक्शन में लिखिए मैं इस दरवाज़े को रेड कराऊँ या वाइट कराऊँ, कमेंट डाउन बिलो, क्योंकि ये ब्लॉग 2 बजे चला जाएगा, वो 3-4 बजे तक पुताई करता रहेगा और मैं उसके बाद पेंट मंगवा लूँगी। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि इस दरवाज़े को किस कलर का कराना है, रेड या वाइट। आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं, आपको मिलेंगे 2 ऑप्शन रेड या वाइट। सो अब मैं जा रही हूँ फाइनली। अभी मैं बना रही हूँ छोले, और मुझे जीरा ढूंढने में लिटरली 5 मिनट लगे हैं। मैं ढूंढती रही, मैं खड़ी रहती हूँ, देखो वहाँ पे मैं ऐसे खड़ी रहती हूँ, सोचती रहती हूँ मुझे क्या चाहिए, मैं ऐसे डब्बों को देखती रहती हूँ, कई बार सामने होता है समझ में नहीं आता है, तो कम से कम यह है कि मसालदानी के सारे डब्बे वो एक जगह मिल जाते, मेरा पूरा काजल स्मच हो गया है।
ऑल द मेबलिन का काजल, उसके बाद देखिए क्या हालत हो जाती है लाइक। और सेट वेट मुझे करना नहीं था क्योंकि मुझे घर ही पे रहना था, तो अभी जीरा वो हो रहा है, फिर मैं सब प्याज डाल रही हूँ और जल्दी से बना रही हूँ, और इस ब्लॉग को मैं अब एनी टाइम सून कभी भी एंड करने वाली हूँ क्योंकि मैं थक गई हूँ। मैंने वीडियो एडिट कर ली है, प्लीज़ जाके देख लीजिएगा 11 बजे, और जिसने पहले नहीं देखी होगी वो ब्लॉग के बाद देख लीजिएगा, ओके। और सब्सक्राइब करिए, मैं बोल रही हूँ सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है। और रेड या वाइट कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए, रेड या वाइट डोर का कलर, रेड या वाइट। सो चलिए मैं एक मिनट जल्दी से डालती हूँ इसमें मसाला। प्याज डाल दिया, प्याज भुन रही है, और फिर मैं इसमें टमाटर डालूँगी, मसाले डालूँगी, छोले डालूँगी, और ये डन हो जाएगा। और जो चावल है वो मैंने करके रखे थे पहले से, तो चावल भी तैयार है। मैं इसे जीरा फ्राई कर दूँगी, मतलब इसमें जीरा फ्राई कर दूँगी, मतलब इन शॉर्ट इसे जीरा फ्राई कर दूँगी मैं। सो गाइस, फाइनली मैं इस ब्लॉग को कर रही हूँ एंड, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक भी ज़रूर करिए, लाइक करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि आप मेरे काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। प्लीज़ लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स पे जो कि हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। मैं जाके कंघी वगैरह करती हूँ, अदरवाइज़ मैं सुबह भी ऐसी दिखूँगी फिर। सो फाइनल बाय, और रेड या वाइट, रेड या वाइट, बाय।